अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेसिकली जो वीडियो है वो डेली ब्लॉग के ऊपर है और ऐसी रैंडम सा ये ब्लॉग हमने शूट करने की कोशिश की है। और आज जो है वो आठवां रोज़ा है और आठवां रोज़े की अफ्तार की तैयारियां जो जो चल रही हैं वो इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। यहाँ पे जो है वो मसूर के दाल के पकोड़ों की तैयारी स्टार्ट हुई हुई है कि वो किस तरह बनाए जाएंगे, उसकी वीडियो भी यहाँ पे साथ साथ शूट हो रही है। यहाँ पे जो है वो मसूर के दाल के पकोड़ों के लिए प्याज कट किए हैं हमने, तकरीबन 2 प्याज को कट करके हम इसमें शामिल कर रहे हैं। साथ हरी मिर्चें भी हैं और हरी मिर्चों को भी हम कट कर करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। बिल्कुल छोटा छोटा सा कट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं धनिया पाउडर, साथ हम जो है वो रेड चिली भी ऐड करेंगे, नमक भी ऐड करेंगे और इन सब को ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो है वो छोले हमने रखे हुए हैं, वो छोले यहाँ पर बन रहे हैं। साथ हम यहाँ पे लस्सी की तैयारी कर रहे हैं। लस्सी के लिए हमने यहाँ पे पूरा जो है वो 1 किलो दही जो है वो हमने यहाँ पे ऐड की है, 1 किलो के करीब दही है। और दही शामिल करके हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, तकरीबन जो है वो 4 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे शुगर ऐड की है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके लस्सी जो है वो यहाँ पर बन रही है, ग्राइंड हो रही है। यहाँ पे छोलों का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है, तो इसे जो है वो भून रहे हैं और गार्निश कर दी छोलों को। साथ ही यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी हो रही है। साथ यहाँ पे जो कच्ची दाल होती है वो भी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। खरबूजा है, पपाया है, केला है और साथ जो है अमरूद और सेब वगैरह कट करके शामिल करेंगे यहाँ पर। अब जी यहाँ पे दाल के पकोड़े जो हमने रेडी किए थे उसको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। चाट बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पे और साथ ही यहाँ पे लस्सी भी रेडी हो चुकी है। लस्सी को ग्लास में निकाल लेंगे अब और साथ में यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया था वो भी हम ग्लास में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर जो है लेमन स्क्वीज करके डाल रहे हैं, 1 लेमन लिया है और वो दोनों ग्लास में हम स्क्वीज कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा और इन्हेंस हो जाता है। अब जो भी चीज़ें रेडी होती जाएंगी वो सब की सब चीज़ों को जो है वो हम डाइनिंग पे लगा देंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।